पेपर लीक की जो समस्या है ये बहुत मतलब इसने एक महामारी का रूप ले लिया है। खास के जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार है, यहाँ तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं गंभीर स्थिति हो गई। 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो हुई पीटी जो हुआ उसमें आरा के केंद्र से लीक कर गया पेपर, फिर उस पर जब हंगामा हुआ तो फिर वो परीक्षा रद्द हुई, फिर पुनर्परीक्षा ली गई। मतलब बीपीएससी की जो विश्वसनीयता थी वो दांव पर लग गई थी। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई TRE 3.0, उसमें पेपर लीक कर गया और उसको फिर रद्द करना पड़ा। मतलब एक पैटर्न बन गया है और प्रश्नों के उत्तर उनको बताए जा रहे थे और उसमें लगभग 260 लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी हुई और हजारीबाग से गिरफ्तार करके उनको पटना लाया गया, बेऊर जेल भेजा गया। पुलिस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है, वो किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़ नहीं सकती है, किसी तरह एक दो छोटी मोटी मछली को पकड़ के खाना पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और देश भर में चुनावी माहौल के बीच लगातार वादे किए जा रहे हैं, कोई अपनी परिवर्तन पत्र जारी कर रहा है तो कोई अपना न्याय पत्र, तो कोई घोषणा पत्र, तो कोई संकल्प पत्र। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन सभी चीज़ों के बीच बिहार की खास करके बात करें तो पेपर लीक की समस्या पर कोई भी खुल करके सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, उनसे सीधा सीधा बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये सरकारें इस ओर बच क्यों रही हैं, क्यों युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अमिताभ दास जी, देखिए आपने सही कहा, ये पेपर लीक की जो समस्या है ये बहुत मतलब इसने एक महामारी का रूप ले लिया है, ये कहना सही है। खास के जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार है, यहाँ तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं गंभीर स्थिति हो गई है। अब बिहार की बात हम करें तो पिछले 2-3 साल में 2-3 बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। आपको याद होगा एक दो साल पहले जो BPSC की 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो हुई पीटी जो हुआ उसमें आरा के केंद्र से लीक कर गया पेपर, फिर उस पर जब हंगामा हुआ तो फिर वो परीक्षा रद्द हुई, फिर पुनर्परीक्षा ली गई। उस समय लोग मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग को लोग बिहार लीक सेवा आयोग कहने लगे थे। मतलब BPSC की जो विश्वसनीयता थी वो दांव पर लग गई थी। उसके बाद आपको पिछले साल 1 अक्टूबर को जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई उसका पेपर वायरल हो गया था, उसमें जो सिंघल साहब चेयरमैन थे भर्ती बोर्ड के, उस समय उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले रोज तक इतने सबूत आ गए कि वो भी परीक्षा रद्द हो गई 2 अक्टूबर को। अभी आप देखिए 1 महीना पहले के आसपास जो BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई TRE 3.0, उसमें पेपर लीक कर गया और उसको फिर रद्द करना पड़ा। मतलब एक पैटर्न बन गया है। और क्या होता है कि अब शिक्षा माफिया का देखिए मनोबल इतना बढ़ गया है, जो TRE 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हुई उसमें तो ये मामला था कि हजारीबाग जो झारखंड में है वहाँ पर एक कोहिनूर होटल है, रिजॉर्ट है, वहाँ बाकायदा लगभग 300 लड़के लड़कियों को लाकर है ना बाकायदा प्रोजेक्टर पर जो सॉल्वर गैंग था वो उनसे प्रश्नों के उत्तर हल करवा रहा था। मतलब पेपर पहले लीक हो चुका था और प्रश्नों के उत्तर उनको बताए जा रहे थे और उसमें लगभग 260 लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी हुई और हजारीबाग से गिरफ्तार करके उनको पटना लाया गया, बेऊर जेल भेजा गया। तो इससे ये पता चलता है कि शिक्षा माफिया का मतलब हौसले कितने बुलंद हैं। मतलब कोई छिप के नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा होटल रिजर्व करा के उसमें प्रोजेक्टर लगा के वो ये कर रहे हैं। और इसलिए हौसले बुलंद हैं क्योंकि जो सत्ता के गलियारों में शिक्षा माफिया की पैठ हो गई है, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, ऐसे मंत्री शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं, बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं कि इनको कुछ होता नहीं है। और पुलिस भी जो जांच करती है उसमें खाना पूरी होती है। पुलिस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है, वो किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़ नहीं सकती है, किसी तरह एक दो छोटी मोटी मछली को पकड़ के खाना पूरी होती है। धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, लोग भूल भी जाते हैं कि उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ। लेकिन ये है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये पेपर लीक जी। अमिताभ दास जी, इसमें एक बड़ी चूक फिलहाल जो है वो सरकार की भी नज़र आ रही है, जिस तरीके से इन लोगों को पनाह दिया जा रहा है। मान के चलिए अधिकारी ही अगर इसमें कुछ ऊपर बड़े स्तर पर अगर गलत हैं तो ये काम तो सरकार का है ना कहीं ठीक करना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही इसको लाइट वेट में ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी जैसे बिहार में सिपाही भर्ती की हम चर्चा करें, अब इसमें मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब तक संजीव सिंघल साहब की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो EOU है, जो आर्थिक अपराध इकाई जो है, उसमें लगभग 74 केस पूरे बिहार में दर्ज हुए, 74 FIR, और उसमें बाकायदा 22 लोगों का SIT बना है EOU में। एक DIG उसके मतलब चीफ हैं SIT के,
और मतलब पेपर लीक के 4-5 महीने बाद इन लोगों ने सिंघल साहब के चैम्बर की तलाशी ली। तो आप 4 महीने तक कहाँ सो रहे थे, है ना? 4 महीने की आपकी कुंभकर्णी निद्रा का क्या मतलब है? मतलब आप जो भी अभियुक्त हैं आप उसको सबूत नष्ट करने का मौका दे रहे हैं, है ना? उसके बाद देखिए बीच में सिंघल साहब को हटाने के बाद मैडम शोभा ओहटकर जो हैं वो भी सीनियर आईपीएस हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था शिक्षक भर्ती सिपाही भर्ती बोर्ड का, और वो पत्राचार करती रहीं लेकिन सिंघल साहब ने उनको कोई दस्तावेज का प्रभार नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं सौंपे, और मतलब गृह विभाग में भी लिखती रही लेकिन सब तरफ चुप्पी साधी रही। तो साफ ये मैसेज जाता है कि जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ डायलॉगबाजी है, क्योंकि आप तो सिंघल के साथ खड़े हैं, आप शिक्षा माफिया के साथ खड़े हैं। तो ये जब राजनीतिक दबाव पड़ेगा पुलिस पर तो पुलिस तो फिर खाना पूरी करके आ जाएगी। 2-3 दिन पहले EOU की टीम गई सिंघल साहब के घर जाकर चाय पी के आ गई, कुछ खाना पूरी करके 3-4 सवाल करके फिर 6 महीना बाद जाएगी बिस्किट खा के आ जाएगी। तो ऐसे तो पुलिस की जांच नहीं होती है ना जी। तो अमिताभ दास जी, ऐसे तो यही पता लगता है कि मुख्यमंत्री बिहार में 18 साल से एक ही है, डिप्टी सीएम बदलते रहते हैं, मंत्री कुछ कुछ बदलते रहते हैं, तो ऐसे में शक की सुई तो फिर एक ही व्यक्ति पर जा रही है, क्योंकि विपक्ष आए चाहे बीजेपी आए चाहे RJD आए, समस्याएँ तो फिर उधर ही घूम रही हैं। बिल्कुल, पलटू राम ही कॉन्स्टेंट है, क्योंकि बाकी लोग तो बदलते हैं, गठबंधन भी बदलता है, उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, मतलब अधिकारी लोग बदलते हैं, अधिकारी रिटायर करते हैं, पलटू राम बिल्कुल एक तरह से शाश्वत हैं 2005 के बाद से। और मतलब उनको इतना ज़्यादा आप कह सकते कि सत्ता का मोह है, कि सत्ता के मोह में वो मतलब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपका रहा जाए और बिहार जाए भाड़ में। और अब तो देख रहे हैं कि पलटू राम की मानसिक स्थिति भी मतलब लगता है बिगड़ती जा रही है, कई चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं कि हम लोग 4,000 सीट जीतने जा रहे हैं। अब इस पर तो हंसना आएगा या रोना आएगा मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर अब सवालिया निशान लगने लगे हैं। तो कुल मिलाकर अभी बिहार में बहुत मतलब विकट स्थिति है और बिहार एकदम रसातल में पहुंच गया है। तो बिहार में एक विकट स्थिति की ओर साफ इशारा था अमिताभ दास जी का, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पलटू राम जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मुखिया फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि देखिए बिहार में नीतीश कुमार शाश्वत हैं, पिछले 18 साल से सत्ता में काबिज हैं, केवल डिप्टी सीएम और चंद मंत्री बदलते हैं, तो ऐसे में चीज़ें साफ स्पष्ट हैं कि ऊपर से ही बड़ी जो है कहीं ना कहीं उलटफेर की जा रही है। हालांकि इसमें दुख इस बात का भी है कि जो छोटे छोटे दल हैं जैसे BJP है, RJD है, ये लोग जब नीतीश के साथ जाते हैं तो फिर ये लोग इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते, ये तो जनता को कहीं ना कहीं पूछना होगा अपने नेताओं से, जनता पूछ भी रही है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।